सुन नहीं रहे हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या लगता है सरकार को? कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं बहरी है गूंगी है क्या है, बहरी है गूंगी है या सुन नहीं रही है। इस तरह के मनोभाव के साथ पूर्व सैनिक डटे हुए हैं मैदान में और ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बात की जाए। क्या लगता है आपको? हम एक सिपाही हैं, हमारा काम है लड़ते रहना। सरकार के सामने हम डटे खड़े रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। सरकार है जब मांगे पूरी नहीं कर रही है तो मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो हमारी हक लड़ाई है वो आरोपी अभी तक दूसरों को 99% और जवानों को 15% दिया गया है, हमको एक लेवल बनाया जाए। डिसबिलिटी अफसर के लिए 90% और जवान को 90% मिलता है, लेकिन उसकी डिसबिलिटी की रकम कम है और अफसर की रकम ज़्यादा है। डिसबिलिटी तो सबको एक लेवल पे होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब जवान डिसेबल हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है जवान को किसी जंग में या किसी युद्ध में, उसको चोट आती है तो उसको कुछ और अफसर को कुछ और, भेदभाव हो रहा है आप कह रहे हो? जी हाँ, ये भेदभाव हो रहा है। डिसेबिलिटी जैसे अफसर का शरीर है वैसे जवान का शरीर है। अफसर का शरीर है जवान का शरीर है। मैं बता दूं बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं यहाँ पर और अपनी बात रख रहे हैं और मैं कुछ और पूर्व सैनिकों से बात करना चाहूँगा। सर क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं सुन रही है सरकार? सरकार की पिंडलियाँ कांप रही है, हाथ पैर फूले हुए हैं। हाँ सुनना तो पड़ेगा। हाँ सरकार की पिंडलियाँ कांप रही हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। सरकार से ज़्यादा हमारे अफसरों की पिंडलियाँ कांप रही है। अफसरों के, आप कह रहे हो अफसरों के पेट में मरोड़ हो रहा है, उनकी पिंडियां कांप रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। इतना आंदोलन का असर हो रहा है? क्यों, हाँ बिल्कुल आंदोलन का असर हो रहा है और आप लोगों की कृपा है, ये चौथा स्तंभ आप ही है। हमारे तो नेशनल मीडिया ना कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी पिंडियां कांप रही है हमारे अधिकारियों की। सरकार से ज्यादा गलती हमारे अफसरों की है। अब कुछ अफसर, पूर्व अफसर आपके समर्थन में भी आए हैं, एक दो, लेकिन ज्यादा नहीं है। उनका विश्वास नहीं किया जा सकता, सांप का जाया हुआ सांप ही होगा, बच्चा सांप ही पैदा होगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अफसरों का विरोध हो रहा है और जो विश्वास है वो टूट चुका है अफसरों पर और जवानों के बीच में जो विश्वास का महीन धागा था वो टूट चुका है। अब कोई अफसर सोने का भी बनकर आ जाए तब भी जवान विश्वास करने से कतरा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है? तो आप ये बताओ, हमें 75 साल विश्वास कर लिया हमने। हाँ। और बार बार हमारे ऊपर कुठाराघात किया, इन्होंने छल किया हमारे साथ, हमारी पीठ में छुरा भोंका, हमारे पेट में छुरा भोंका। 1900 मतलब 3 वेतन आयोग से पहले इन्होंने छुरा भोंका, चलो उसमें उनकी कम मानते, 6th पे कमीशन में PBOR नाम दे दिया, जेसोजों को मिट्टी में मिला दिया, 7th पे कमीशन में ORP में MSP में विधवाओं के साथ भेदभाव और डिसेबिलिटी पेंशन में वीरता पुरस्कारों में मेडलों में हर जगह हमको छला है। जो छल का परिणाम है कि अब दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पिएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, फायदा उसी में है। अगर जो है हम इनका फिर विश्वास करेंगे, विश्वासघात करने में नहीं। अगर बाहर से कोई समर्थन करना चाहता है, कुछ स्टेटमेंट देता है तो उसमें बुराई क्या है? अपना मंच मत दीजिए, अपना कंट्रोल मत दीजिए। लेकिन अगर कोई अफसर भी, ऐसा तो नहीं है कि सारे अफसर खराब होंगे, या अफसरों के दिल में भी तो कहीं ना कहीं जगह है ही है। नहीं बाहर से तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, अगर कोई बाहर से समर्थन देना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन मंच नहीं देंगे, हम मंच पर नहीं बोलने देंगे। मंच पर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।